What's happening guys, फिर से आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट के कॉर्नी वीडियो में। जी हाँ, मेरे को पुराना वाला इंट्रो वापस याद आ गया। तो आज वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम देखने वाले नहीं है, ट्राई आउट करने वाले हैं एकदम ही बढ़िया माइनक्राफ्ट के मॉड्स, जो कि आपने पहले शायद ही कहीं देखे होंगे या फिर देखे भी होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉड्स है। और हाँ, वीडियो को यार बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे मॉड्स की जो एपिकनेस है वो भी एकदम बढ़ती जाएगी। एंड इस वीडियो का जो सबसे लास्ट वाला मॉड है वो तो भाई एकदम अलग ही लेवल का मॉड है और सबसे ज्यादा भाई फनी मॉड है, तो उसको देखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइस, जो अपना सबसे पहला वाला मॉड है वो माइनक्राफ्ट की ऐसी दिखने वाली दुनिया को कुछ ऐसा कर देता है। इस मॉड का नाम ही नो क्यूब से, तो मतलब समझ जाओ ये माइनक्राफ्ट की डब्बे वाली ग्राफिक्स को बिल्कुल रियल वाली ग्राफिक्स कर देता है। इसमें भाई माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा डिफरेंट दिखता है और कोई कोई जगह तो भाई काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। ये वाला मॉड सारी जगह से क्यूब्स हटा देता है, वैसे एनिमल्स और विलेजर्स अभी भी डब्बे जैसे दिखता है और अपना बंदा भी। एंड हम इसमें ब्लॉक्स कुछ इस टाइप से तोड़ते हैं और लगाने का हिसाब तो भाई पूछो ही ना, पता नहीं यार कैसे लगते हैं, बिल्कुल भी भाई समझ नहीं आ रहा कौन सा ब्लॉक कहाँ पे लग रहा है। और ये वाला मॉड लगा के एक बार अगर आप केव के अंदर चले गए तो भाई आपको मजा ही आ जाएगा। ये वाली केव भाई काफी ज्यादा रियल दिखती है, बिल्कुल गोल गोल। यहाँ पे देखो भाई आयरन वगैरह भी पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे भाई कोई भी चीज क्यूब में नहीं है। और ये क्रीपर देखो यहाँ पे फंसा पड़ा है। एंड सिर्फ माइनक्राफ्ट का ओवरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि भाई अपना नेदर भी एकदम अलग दिखने लग जाता है। तो ये रहा भाई माइनक्राफ्ट का नेदर, इसमें भी कोई क्यूब नहीं है। और सच बता रहा हूँ भाई, ये वाला तो और ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। बट पर्सनली गाइस, मेरे को तो माइनक्राफ्ट की डब्बे वाली ग्राफिक्स ही ज्यादा बढ़िया लगती है। इसमें तो भाई कौन सी चीज कहाँ जा रही है पता भी नहीं चलता। अगला वाला मॉड है, उसका नाम है गार्ड्स क्राफ्ट। तो भाई जैसे अगर रोड पे किसी की लड़ाई हो जाती है आपस में तो बोलते नहीं है भाई बंदे बुला के ला रहा हूँ, हालांकि कोई बंदा आता नहीं है। और ये वाला मॉड भी भाई कुछ ऐसा ही काम करता है। लिटरली भाई इसमें हम माइनक्राफ्ट के अंदर अपने बॉडी गार्ड स्पॉन कर सकते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं एकदम धासु वाले। ये हमें कुछ डब्बे मिलते हैं इस वाले मॉड के अंदर। एंड अगर आपके पास थोड़े बहुत क्राउन है जो कि हमें पिलेजर को मार के मिलते हैं, तो आप यहाँ पे एकदम धासु से धासु बॉडी गार्ड अपने लिए स्पॉन करवा सकते हो। और ये दिखावटी बॉडी गार्ड नहीं है भाई, बिल्कुल वर्किंग बॉडी गार्ड है। कोई भी सामने आएगा ना भाई बिल्कुल खत्म कर देंगे। यहाँ पे यार आर्चर वगैरह भी है, इनके पास पता नहीं यार कौन से हथियार है। इनको आप यहीं पे रुकने के लिए बोल सकते हो या फिर अपने पीछे फॉलो करने के लिए बोल सकते हो। आप पूरी एकदम तगड़ी वाली गैंग बना सकते हो और फिर तबाही मचा सकते हो। ये वाला मोड अगर हम रेड के टाइम यूज करें ना भाई, अपना काफी फायदा होगा, क्योंकि भाई विलेजर लल्लू लोग तो मारते नहीं किसी को। तो गाइज, अगर हम इतनी लड़ाई लुड़ी की बातें कर ही रहे हैं, तो जो अपना अगला वाला मॉड है वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है एपिक फाइट मॉड। तो माइनक्राफ्ट में अगर हमें किसी से फाइट करनी होती है, मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह को मारना होता है, तो देखो भाई अपना करेक्टर यार कैसे मारता है बिल्कुल गधों की तरह। ये फाइट सीन बिल्कुल यार एकदम सूखा सूखा लगता है, लेकिन जैसे आप ये वाला मॉड लगाते हो ना, तो भाई अपना बंदा एकदम समुराई बन जाता है। एंड जो अपनी फाइटिंग स्टाइल है वो भी इस मॉड के नाम की तरह एपिक हो जाती है। सिर्फ यार अपने बंदे की नहीं, जो हमें अपना अपोनेंट मारता है, जैसे यहाँ पे ज़ॉम्बी है, इसकी भी देखो भाई एनिमेशन कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। और इसी के साथ इस वाले मॉड में हमें काफी ज्यादा तगड़े तगड़े वेपन्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये वाला स्पीयर और यहाँ पे कटाना भी, और ये लंबी वाली स्वॉर्ड तो और ज्यादा ओपी है। तो गाइस, इस वाली सीरीज का ये पार्ट वन है। अगर आपको पार्ट टू या फिर पार्ट थ्री भी चाहिए, मैं पहली बार अपने वीडियो पे लाइक गेम रख रहा हूँ सिर्फ 20,000 का यार, तो सिंपली जाके यार इस वीडियो को लाइक करो। एंड गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले मॉड की तरफ, जो कि माइनक्राफ्ट का मैकेनिज्म बिल्कुल पलट ही देता है। तो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर किसी पेड़ को काटते हैं बीच में से, तो उसका भाई ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रह जाता है। या फिर अगर हम किसी ब्लॉक को माइन करते हैं, तो उसके ऊपर वाला ब्लॉक नीचे नहीं गिरता सिवाय ग्रेवल या फिर सैंड के। बट जो मॉड अभी हम यूज कर रहे हैं वो माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्कुल फिजिक्स डाल देता है। नाम इसका फिजिक्स मॉड है भाई। तो अगर हम इसमें पेड़ काटने की कोशिश करते हैं, तो भाई सिर्फ एक लॉग नहीं करता, पूरा पेड़ ही नीचे आ जाता है और दिखने में तो भाई एकदम रियलिस्टिक लगता है। एंड अगर हम कोई ब्लॉक तोड़े, वो भी एकदम इसी इफेक्ट से टूटता है। बेचारे विलेजर का पूरा ही घर उड़ गया। एक बार यार इस वाले लंबे वाले पेड़ पे भी ट्राई कर लेते हैं, वैसे इसको पेड़ नहीं कहते ना। जो भी है भाई, देखो कैसे लाइन से टूट रहे हैं और भाई नीचे देखो किस हिसाब से गिर रहे हैं भाई, एकदम मैं कह रहा हूँ ना एकदम रियलिस्टिक वाली फिजिक्स है यहाँ पे। एंड अभी मजा खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मॉड से अगर हम किसी एनिमल या फिर किसी मॉब को मार देना, फिर तो भाई मजा ही आ जाता है बिल्कुल। आसपास तो भाई अपना डुक्कर ही दिख रहा है। ये देखो भाई कैसे मारा, इसकी टांग भी यहाँ पे दिख रही है। ओहो, क्या ही मजा आया, सेटिस्फेक्शन मिल गई। वैसे अभी तक मैंने TNT यूज करके नहीं देखा।
ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे धूम 3 की शूटिंग चल रही है। एंड गाइस जो अपना अगला वाला मॉड है उसको ट्राई करने के लिए हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के बहुत ही ज्यादा पुराने वर्जन में 1.12.2। तो इस मॉड का नाम है टिपिकल सुपर हीरोज। एंड सारे मॉड के मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई आप भी खेल सको, क्योंकि भाई लिंक डालने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम तो है नहीं ना, और मैं आलसी भी तो हूँ। एंड जो ये वाला मॉड है मेरे हिसाब से अभी तक का माइनक्राफ्ट का बेस्ट सुपर हीरो मॉड है, क्योंकि इस वाले मॉड के अंदर आपको सारे पॉपुलर सुपर हीरोज एक ही में मिल जाते हैं, जैसे कि भाई अपना आयरन मैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन, हॉकाई, थॉर, बस थैनोस नहीं है क्योंकि उस टाइम थैनोस हुआ नहीं करता था। एंड इन सुपर हीरोज की तुम कॉस्ट्यूम देख रहे हो भाई एकदम रियलिस्टिक है, जब तक आप पूरा सूट नहीं पहनोगे आपको कोई भी पावर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका का सूट। ओके, तो हमने ये सारा पहन लिया है और सूट पहनते के साथ ही हमें इतने सारे हार्ट्स भी मिल चुके हैं और रीजनरेशन भी मिल चुका है, भाई वो सुपर हीरोज है। एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम ही अमेजिंग चीज। तो ये जो शील्ड है भाई ऐसे सजाने के लिए नहीं है, इसको हम फेंक के भी मार सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सामने जो भी बंदा होगा भाई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और सेम चीज हम कर सकते हैं अपने थॉर भाई के साथ, अगर हम हथौड़ा फेंक के मारेंगे वो भी भाई एकदम फुल स्पीड से जाएगा, एक ना एक को तो मार के ही आएगा और वापस भाई अपने घर भी आएगा, मतलब थॉर के हाथ में आएगा। सबसे बेस्ट भाई मेरे को इसके अंदर लगा है फ्लैश वाला मॉड, क्योंकि माइनक्राफ्ट यार काफी ज्यादा स्लो गेम है और फ्लैश जैसा मॉड लगा के भाई हम एकदम ही तगड़ी स्पीड में जा सकते हैं। ये देखो भाई क्या ही तगड़ी स्पीड है, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और सारे मॉड की तरह इस मॉड के साथ भी हमें थोड़े से हथियार भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये बो है, बहुत ही ज्यादा ओपी लगी, नॉर्मल बो से तो भाई बहुत ही ज्यादा सही है। एंड इसको अगर हम हॉकाई के साथ चलाएंगे तो जो अपना निशान है ना भाई रियली में भाई बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से किसी को मार के देखता हूँ, तो देखो भाई वो पिक कितनी ज्यादा दूर खड़ी हुई है, निशाना भाई बिल्कुल भी एकदम सही नहीं था, फिर भी भाई देखो उसको लगी गई। वैसे आपको कौन सा तगड़ा सुपर हीरो लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन गाइस यार इस वाले मॉड में भी एक छोटी सी तकलीफ है, ये भाई अपने सुपर हीरो यार ढंग से उड़ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं यार काहे की सुपर हीरो है। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर माइनक्राफ्ट में आपको फुल स्पीड में उड़ना है तो आप जेट पैक्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको बिना मेहनत करे, बिना एंडर ड्रैगन मारे, बिना इलाइटर के उड़ना है तो भाई सिंपली यार ये जेट पैक आप यूज कर सकते हो, जिनका नाम भी सिंपली जेट पैक्स है, क्या बात है। और इनमें भी यार बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली वैरायटी आती है, आप गोल्ड का, डायमंड का, इवन यार नेदरराइट का भी जेटपैक बना सकते हो। फिर सिंपली आपको इसको आर्मर की जगह पे लगानी है, अपना इंजन ऑन करना है एंड फिर कुछ ही सेकंड में आप सीधा हवा से बातें करोगे। वैसे यार ये खड़े खड़े क्यों उड़ता है यार, बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए यार, मजा आ जाता। बट यार इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा सही है। एंड इसके साथ हमें एक ये कूल सा चश्मा भी मिलता है जिसको पहन के आप चोर जैसे दिखते हो। ओके तो गाइस फाइनली हम बढ़ते हैं अपने फाइनल वाली मॉड की तरफ। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये वाला मोड सबसे ज्यादा एपिक होने वाला है एंड इसी के साथ यार सबसे ज्यादा फनी भी होने वाला है। और मैं फनी बताऊं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इस वाले मोड में लिटरली यार चूहे होने वाले हैं एंड ये चूहे आपके लिए काम भी करेंगे, भाई बहुत ही अजीब मोड है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनको टेम कैसे करते हैं। आपको एक बाल्टी लेना है दूध, उसको डालना है कोल्ड्रोन में और फिर थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद ये चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है भाई मैं कोई कुकिंग रेसिपी बता रहा हूँ। इस चीज वाले ब्लॉक को आप सिंपल नॉर्मल पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हो एंड फिर आपको चूहों के पास जाना है और इनके सामने चीज फेंक देनी है। और ये भाई बिल्कुल ही पागलों की तरह खाते हैं भाई, और इनको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा यार, एक दो से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। एंड देखो यार ये फाइनली हमारा टेम हो चुका है। एंड जैसे ये चूहे टेम हो जाएंगे ये आपको फॉलो करते रहेंगे एंड सिंपली राइट क्लिक करके आप इनको कमांड्स दे सकते हो, जैसे कि मॉन्स्टर हंट करना, चीजें गैदर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ट्रांसपोर्ट करना, लिटरली यार कुछ भी करवा सकते हो इन छोटे छोटे चूहों से। या फिर आप चाहो तो इनको अपने सिर पे भी बिठा सकते हो, काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं वैसे। इस वाले मॉड में यार वैसे काफी ज्यादा और भी चीजें बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी, तो अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं तो यार मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड इसी के साथ गाइस ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो आपको पता है क्या करना है, एंड यार मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो यार, वहां कोई फॉलो ही नहीं कर रहा यार। एंड यहां पे यार कोई दो वीडियोस आ रही होगी, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करो, देखो और मैं व्यूज लपेट लेता हूं हमेशा की तरह।